आज इस वीडियो में हम बताएंगे इपोक्सी फ्लोरिंग कैसे करते हैं। इपोक्सी फ्लोरिंग के लिए पहले हम मटेरियल बना रहे हैं। ये देखिए इसमें क्या क्या मटेरियल डालें। पहले क्या डाले थे? पहले कलर डाला था। कलर था, ये भी कलर ही है। और ये क्या है? ये हार्डनर। हार्डनर इसको एक मात्रा में मिला रहे हैं हम। इसमें मिला दिए हार्डनर और ये पाउडर भी मिला दिए। ये पाउडर को मिलाते हैं, मिलाकर मिक्स करेंगे। कलर डाले, हार्डनर डाले और हल्का सा ये मटेरियल को बढ़िया से मिला लिया गया है। अब इसको हम लगाएंगे। इसको कैसे लगाते हैं देखिए। ये इपोक्सी फ्लोरिंग हो रहा है। इसको कलर को डाल दिए हैं। अब इसको आराम से मिलाते जाएगा। इसके नीचे एक कोटिंग हो गया है। इसके नीचे एक प्राइमर कोट हो चुका है। इसके नीचे तीन लेयर हो चुका है। ये लास्ट लेयर फाइनल। हाँ, पहले एक प्राइमर है, ये वाला है। हाँ, उसके बाद ये वाला है। प्राइमर के बाद वो दूसरा क्या लेयर है? स्क्रीट। हाँ, उसके बाद ये ब्लैक प्राइमर है। तीसरा थर्ड प्राइमर। हाँ। और उसका फाइनल लेयर है, हो रहा है। ये रोलर के द्वारा हम इसको चला रहे हैं। रोलर चला रहे हैं इसको। ये पतरे के द्वारा मटेरियल को हम फैला रहे हैं। पहले फैलाने के बाद उधर से रोलर चल रहा है। पहले इसमें माल गिरा लिए, उसके बाद पतरे से चारों तरफ फैलाया जा रहा है। पतरे से फैला के फिर रोलिंग किया जा रहा है। इसको रोलर के द्वारा रोलिंग किया जा रहा है। फ्लोरिंग को करने के बाद हमें टाइल्स लगाने की। इपोक्सी फ्लोरिंग अपना ये टाइल्स से बहुत बेहतरीन होता है। ये टाइल्स से सरफेस से बहुत ही चिकना सरफेस होता है इसका। ये टाइल्स से थोड़ा ये काफ़ी किफ़ायती होता है। फर्स्ट क्लास इसमें लाइट भी बिल्कुल शाइनिंग नहीं मिलेगी आपको एकदम। ये देखिए आगे का मेरा फाइनल कोट हो चुका है। ये देखिए फाइनल हो चुका है। ये कितना अच्छा फिनिशिंग है इसका। ये फाइनल कोट मार दिया है। ये फाइनल हो चुका है। अब इसमें हम कर रहे हैं, ये सैंपल के लिए कर रहे हैं अभी। ये रोलिंग करते रहेंगे इसको। गाइड का मटेरियल
कचड़ा नहीं है इसको बिल्कुल फ्रेश रखना है ताकि इसमें धूल मिट्टी ना आए बिल्कुल, नहीं तो इसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। देखिए अभी इस पे साइनिंग आना चालू हो गया, अभी इसका बबल फूट रहा है, बबल बबल को तोड़ रहे हैं, हल्का फुल्का कहीं कहीं बबल है उसको तोड़ रहे हैं। तोड़ने के बाद इसमें साइनिंग धीरे धीरे आती जा रही है, देखिए साइनिंग आती जा रही है, साइनिंग बढ़ गई। पूरी फिनिशिंग आ गई इसकी, साइनिंग पूरी आ गई। कुछ देर सूखने के बाद जब सूख जाएगा तो ऐसा बिल्कुल ऐसा सरफेस आ जाएगा, एकदम बिल्कुल चिकना फ्रेश। तो यह है अपना इपोक्सी फ्लोरिंग, कंप्लीट इपोक्सी फ्लोरिंग का प्रोसेस ही था।